नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर के वार्ड नंबर 21 में हो रही पंच दिवसीय शिव महापुराण कथा का आज शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस कलश यात्रा में पारंपरिक परिधान में सज धज कर श्रद्धालु महिलाओं ने स्थानीय खेड़ापति हनुमान मंदिर से यह कलश यात्रा प्रारंभ की। कथा स्थल पर पहुंचकर समापन हुआ। नगर के श्रद्धालुओं द्वारा इस कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसमें बच्चे, महिला एवं पुरुष शामिल थे। कलश यात्रा के निकलने के साथ ही लोगों ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाने प्रारंभ कर दिए। ढोल बाजे डीजे के साथ यह कलश यात्रा भव्य रूप में निकाली गई। शिव पुराण कथा वाचक पंडित धर्मेंद्र भार्गव के द्वारा की जाने वाली कथा में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कथा के दौरान श्रद्धालु झूमते और गाते दिखे। प्रथम दिवस की कथा का वर्णन करते हुए पंडित धर्मेंद्र भार्गव ने बताया कि शिव का अर्थ है कल्याण। शिव महात्म से ओतप्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति व शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया जाता है। शिव सहज की ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान शिव को सदैव लोक उपकारी और हितकारी बताया गया है। कण कण में शिव का वास है। तीनों देवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव शक्ति का मार्ग बताया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए। इसी में मनुष्यों का कल्याण है। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट।